सत श्री अकाल, एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। गायक दलेर मेहंदी पंजाब पुलिस की हिरासत दे विच ने मामला 2003 का कबूतरबाजी दा। 2018 दे विच दलेर मेहंदी नूं 2 साल की सज़ा सुनाई गई सी, पर इस सज़ा नूं चुनौती दिती सी पटियाला सैशन कोर्ट दे विच, पर दलेर मेहंदी की अपील खारज हो गई है क्योंकि पटियाला सैशन कोर्ट ने भी 2 साल की सज़ा बरकरार रखी है। दो हजार तीन के कबूतरबाजी के केस में मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी गिरफ्तार किया जा चुके है। इस केस में उन्होंने 2 साल की सजा हुई सी, जिसनों दलेर मेहंदी ने पटियाला सैशन कोर्ट में चुनौती दी, पर वीरवार को अदालत ने दलेर मेहंदी की सजा बरकरार रखा। अदालत के फैसले तो बाद उन्होंने गिरफ्तार करके पटियाला जेल भेज दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस से जरा साल 2003 में 498 नंबर FIR के तहत दर्ज होया सदर थाने पटियाले। उस केस का ट्रायल चलिया और साल 2018 मिस निधि सैनी की मानयोग अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई सी इन्हों। उस फैसले के खिलाफ इन्होंने अपील पाई, जो अज श्री HS गरेवाल की मानयोग अदालत वालों डिसमिस की गई है और इन्हों दलेर मेहंदी कस्टडी च लिया गया। 2003 का जी, 2003 मैं बाहर भेजने पैसे ले सी दलेर मेहंदी शमशेर मेहंदी इन्हें ग्रुप ने सारे जी, तो बाहर भेजने लिए पैसे ले जी, तो ना तो इन्होंने बाहर भेजा जी, तो ना इन्होंने पैसे दिते जी। जो असं पैसे मंगते जी तो सानू उल्टा मारने धमके दें। 2003 फिर FIR दर्ज कराई सी। उस तो बाद जी केस चलता रहा जी 2018 मार्च 2018 च फैसला हो। गायक दलेर मेहंदी वालों ट्रायल कोर्ट के 2018 आए फैसले को पटियाला की सैशन कोर्ट में चैलेंज किया गया। साल 2018 के कबूतरबाजी मामले में मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को दोषी करार दे दिया गया और 2 साल की कैद के 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई सी। दलेर मेहंदी के खिलाफ 2003 केस दर्ज होया। कबूतरबाजी के इल्जामों तहत पटियाला केस दर्ज होया। पटियाला के सदर थाने FIR नंबर 498 उन्होंने नाम से दर्ज है। सुनौर के रहने वाला बख्शीश सिंह की शिकायत उत्ते यह केस दर्ज किया गया। पहला 10 सितंबर 2003 दलेर मेहंदी के भरा शमशेर उत्ते भी केस दर्ज होया है। ध्यान सिंह और बुलबुल मेहता खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। शमशेर तो पूछगिछ तो बाद दलेर मेहंदी के खिलाफ केस दर्ज होया। बख्शीश सिंह ने दलेर मेहंदी उत्ते 20 लाख रुपए लेने के इल्जाम लगाए। विदेश भेजने के नाम के उपर यह 20 लाख रुपए ले गए। पैसे लैण के बावजूद ना तो विदेश भेजा गया, ना ही पैसे वापस किए गए। दलेर मेहंदी विदेशों के शो लाने जाते सन। 15 साल बाद 2018 पटियाला सैशन कोर्ट ने सजा सुनाई सी। 2 साल की कैद से 2000 रुपये जुर्माना सुनाया गया सी। सज़ा 3 साल तो घट होने कारण दलेर मेहंदी को उस वक्त जमानत मिल गई सी। इसे केस में बुलबुल मेहता को अदालत ने बरी भी कर दिता, जबकि शमशेर सिंह और ध्यान सिंह की मौत हो चुकी है। दलेर मेहंदी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पटियाला सैशन कोर्ट में चुनौती दी सी। इस उत्ते सुनवाई करदिया वीरवार को पटियाला सैशन कोर्ट ने ना सिर्फ दलेर मेहंदी की 2 साल की सज़ा बरकरार रखिया, सगों तुरंत उसनु गिरफ्तार करके जेल भेजने के भी हुक्म दे दिते। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਤੇ DGP ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच हुण तक किन्ने मुलजमां दी गिरफ्तारी हो चुकी है, की कारवाई की जा रही है ते दोषियों नूं कदों तक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये सब जानकारी देने लई DGP पंजाब गौरव यादव पहुंचे सिद्धू मूसेवाला दे परिवार नूं मिलन। ते उन्होंने भरोसा दवाया परिवार नूं कि जल्द तो जल्द कारवाई की जाएगी। नाल तुहानूं भी दस दें कि सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच की है अपडेट ते हुण तक की कारवाई हुई है। मूसेवाला नूं सब तो नेड़े तो गोली मारन वाला शूटर अंकित सिरसा ते सचिन पिवानी भी हुण पंजाब पुलिस दे शिकंजे च आ चुके ने।
तिहाड़ जेल च बंद दोवां दा पंजाब पुलिस नूं एक दिन दा ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है, यानी हुण दोवां नूं मानसा अदालत च पेश कीता जाएगा, जिस तों बाद पंजाब पुलिस मूसेवाला कतल केस च दोवां तों पुछगिछ करेगी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा और सचिन बिवानी को आम सेक केंद्र में जेसी करने के लिए सीएम पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पे पंजाब पुलिस आई थी और उन्होंने बोला कि सिद्धू मूसा वाले मर्डर केस के अंदर में हमें इन दोनों की गिरफ्तारी चाहिए। वो मानसा कोर्ट से सिद्धू मूसा वाले मर्डर केस के अंदर में इन दोनों का अरेस्ट वारंट और साथ में इनके ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन की कॉपी लेके आए, जिसको मैंने स्ट्रॉन्गली अपोज किया। अंकित सिरसा और सचिन बिवानी ये दोनों मेरे ही क्लाइंट हैं और इनके लिए जो है हमने अपोज करते हुए कोर्ट में बताया कि इनकी जो वहाँ पे सुरक्षा की पूरी जो जवाबदेही है पंजाब पुलिस की वहाँ से होनी चाहिए, तो उन्होंने कोर्ट ने हमारी बात को मानते हुए इनको शर्तों के साथ में एक दिन का ट्रांजिट रिमांड अलॉ किया है। अंकित सिरसा नु दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया सी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया सी अंकित ने दोवां हत्थां च हथियार लेके मूसेवाला नु गोलियां मारियां सन। अंकित ने ही मूसेवाला नु सब तो नेड़े होके गोली मारी सी। 6 महीने पहला लॉरेंस गैंग च अंकित शामिल होया सी। अंकित हरियाणा दे सोनीपत दा रहन वाला है। अंकित सिरसा राजस्थान च 2 वारदातां नूं अंजाम दे चुका है। अंकित दी मुलाकात मोनू डागर दे नाल होई सी। डागर ने ही लॉरेंस दे भरा अनमोल दे नाल अंकित दी मुलाकात करवाई सी, जिस तों बाद ओ लॉरेंस गैंग दा गुर्गा बन गया सी। इस तों पहलां शार्पशूटर प्रियवर्त फौजी अते कशिश नूं वी पंजाब पुलिस दिल्ली तों लिया चुकी है। हालांकि मूसेवाला दे कतल केस च शामिल 3 शूटर जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू अते दीपक मुंडी फरार ने। मूसेवाला दे कतल नूं 45 दिन तों वध दा समां बीत चुका है। मापिआं दे हंझू सुकण दा नाम नहीं लै रहे। उम्मीद है कि जल्द पुत दे कातलां नूं सजा मिलेगी। वीरवार नूं पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने सिद्धू मूसेवाला दे परिवार दे नाल मुलाकात भी कीती। डीजीपी ने परिवार नूं कतल केस दे बारे पूरी जानकारी भी दित्ती। इस मौके डीजीपी गौरव यादव ने परिवार नूं भरोसा दवाया है कि कतल मामले दे किसी भी मुलजम नूं बख्शिया नहीं जाएगा। अज मैं मूसा पिंड शुभदीप दे परिवार दे कोल उन्हां दा दुख साझा करन आया सीगा, अपना अफसोस साझा करन आया सीगा। ते एक बहुत ही ब्राइट कलाकार पंजाबी आइकन सीगे, ते जिहड़ा सानू सारिआं नूं बहुत अफसोस है। ते नाले मैं इन्हां नूं अशोर कीता सी तफतीश बारे कि असीं हर पासे मुकम्मल उपराले कर रहे हैगे कि जिहड़े दोषी हैगे उन्हां नूं सारिआं नूं फड़िया जाऊगा ते कड़ी तों कड़ी सज़ा दवाई जाऊगी। मूसेवाला दे कतल नूं 6 शूटरां ने अंजाम दित्ता सी, जिन्हां च प्रियवर्त फौजी, कशिश, अंकित सिरसा, जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू ते दीपक मुंडी शामिल ने। इन्हां च प्रियवर्त फौजी, कशिश ते अंकित सिरसा गिरफ्तार हो चुके ने, जिन्हां नूं दिल्ली पुलिस दे स्पेशल सैल ने गिरफ्तार कीता है। जदों कि मूसेवाला दी मौत दे 46 दिनां बाद भी पंजाब पुलिस किसी भी शूटर दी पैड़ नप्पण च नाकाम रही है। हालांकि मूसेवाला दे कतल दी साजिश रचन शूटरां दी मदद करन वाले 18 लोकां नूं पंजाब पुलिस ने जरूर गिरफ्तार कीता है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस तो बाद पंजाब पुलिस नूं काफी सवालां दा सामना करना पिया, खास करके लॉ एंड ऑर्डर दी स्थिति ते पंजाब पुलिस दी खूब किरकिरी होई। पर हुण नवे डीजीपी गौरव यादव ने कह दिता है कि उह पंजाब दे विचों गैंगस्टरां नूं मुका देणगे, गैंगस्टर शब्द नूं ही खत्म कर देणगे। इधर अमृतसर दे विच डीजीपी ने बयान दिता ते उधर जलंधर दे विच 13 गैंगस्टरां दी गिरफ्तारी होई, जिन्हां दा संबंध लॉरेंस अते रिंदा गैंग दे नाल सी ते इन्हां ने कड़ी होई सी साजिश कतल अते लुट दी। गैंगस्टर ओ बदमाश जिन्हां ने जेलां दे अंदरों ते विदेशां च बैठ पंजाब पुलिस नूं खूब परेशान कीता है, पंजाब दी शांति नूं टाल लाई है। ए कैटेगरी दे गैंगस्टर फिर बी कैटेगरी दे गैंगस्टर पता नहीं किन्ने घर उजड़ गए ने। कईआं दा पुलिस ने एनकाउंटर कर दिता है ते कई गैंग वॉर दे विच मारे गए ने। कुछ हुण जेलां दे विच उमर हंडा रहे ने ते कई विदेशां दे विच लुक छुप के रह रहे ने। पर इह कहानी इत्थे खत्म नहीं हुंदी क्योंकि इन्हां दे विचों बहुत एक्टिव ने। नतीजा खून वह रहा ते फिरौतियां वसूलियां जा रहियां ने। वो गैंगस्टर जो एक्टिव ने उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई है जो जेल दे विच बैठा एक्टिव है,
गोल्डी बराड कैनेडा तो एक्टिव है, जेल तो ही एक्टिव है जग्गू भगवान पुरिया, ते पाकिस्तान तो एक्टिव है हरविंदर सिंह रिंदा, ते लक्की पटियाल आर्मेनिया तो एक्टिव है। मूसेवाला दे कतल तो बाद पंजाब पुलिस दी कारगुजारी ते सवाल खड़े हो रहे ने। ता जेहेच पंजाब दे नवे डीजीपी गौरव यादव ने दावा किया है कि जल्द ही पंजाब गैंगस्टर मुक्त हो जाएगा। मैं श्योर करता हाँ कि पंजाब पुलिस एक वर्ल्ड दी बेहतरीन पुलिस फोर्स है जिहड़ी पंजाबियों लई लॉ एंड ऑर्डर पीस नू मेंटेन करूगी। जिवें चीफ मिनिस्टर साहब दे ऑर्डरस हैगे, ड्रग्स ते गैंगस्टर्स अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ है। तो तुसी देखोगे चंद ही दिनों दे विच पंजाब दे विच असी गैंगस्टर्स दा नाँ हटा देंगे, ड्रग्स ते पूरी नथ पावांगे जी। असी बेसिक पुलिसिंग ते जिहड़ी प्रोफेसनल तरीके नाल पुलिसिंग करनी है उस ते जोर दे रहे हैगे, सो दैट पंजाब पुलिस पंजाब दी लोकां दी सेवा कर सके। डीजीपी दे इन्हां दावियां दे दरमियान ही जलंधर पुलिस वी एक्शन च नजर आई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अते हरविंदर रिंदा नाल संबंधित एक गिरोह दा पर्दाफाश कीता गया। पुलिस ने इस गैंग दे 13 गैंगस्टरां नूं गिरफ्तार कीता, जिन्हां दे विचों 9 शार्प शूटर ने। जलंधर देहाती पुलिस ने विशेष टीमां दी अगवाई दे विच 2 हफ्तियां तक चले ऑपरेशन तहत इन्हां मुलजमां नूं काबू कीता। इन्हां ने 13 बंदे जिहड़े अरेस्ट कीते आ जिहड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल रिलेटेड ने, 13 बंदे। और इहदे विच सब तो वड्डी गल है कि 5 कतल जिहड़े इन्हां ने अवर्ट कीते आ, प्रिवेंट कीते आ, जिहड़े कि होने सी जे बंदे ना फड़े जांदे, और 7 जिहड़ियां ने आम डिकॉयटीज इन्हां ने करनियां सीगियां जिहड़ी इन्हां दी प्लानिंग सीगी अलग अलग जगह दे उत्ते। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਉਰਫ ਮੰਗਲ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਕਾਕਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਲਵਜੀਤ, ਰੇਸ਼ਮ ਉਰਫ ਬਾਊ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਬੌਬੀ ਉਰਫ ਬਾਬਾ, ਸੋਨੂ ਉਰਫ ਪੁਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਕਲਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 13 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 18 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧੀ ਕਤਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਡਕੈਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਦੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਫੋਰੈਸਟ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਓਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਮਤਲਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ RS ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
तीन दिन के पुलिस रिमांड से भेज दिया गया। तो दलजीत सिंह इस वक्त जरा रिमांड मिलने तो बाद जो विजिलेंस के अधिकारी है वह लेके जा रहे हैं। पोलीटिकल वनडेटा कुछ नहीं हो, सिर्फ पोलीटिकल वनडेटा गिरफ्तारी हुई है। दलजीत सिंह साबका मंत्री संगत सिंह गिलजियां का भतीजा है। मंत्री गिलजियां का सारा काम दलजीत ही देखता सी। ठेकेदारां तो वसूली दे लई बिचौले दी भूमिका दे इल्जाम ने, अफसरां दे ट्रांसफर ते पोस्टिंग दे लई भी रिश्वत लैण दे इल्जाम लगे ने। गैर कानूनी माइनिंग ट्री गार्ड दी खरीदारी विच भी रिश्वत लैण दे दलजीत दे इल्जाम लगे ने। खैर दे दरख्तां दी कटाई दे लई परमिट भी दलजीत जारी करदा सी। विजिलेंस दे मुताबिक फॉरेस्ट स्कैम संबंधी एक डायरी मिली है। डायरी विच दलजीत गिलजियां दे करप्शन दे सबूत मिले ने। इस तो अलावा विजिलेंस नू व्हाट्सएप चैट भी मिली है। ए चैट जंगलात विभाग दे अफसरां ते ठेकेदारां नाल होई सी। सितंबर 2021 विच गिलजियां जंगलात मंत्री बने सन। इसे दौरान ठेकेदारां तो 5 लाख रुपए दी रिश्वत लैण दे इल्जाम लगे ने। पैसे लैण देण दा काम दलजीत गिलजियां ही देखदा सी। इस तो पहला पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार विच जंगलात अते समाज भलाई मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत नू विजिलेंस ने गिरफ्तार कीता सी। धर्मसोत उते मंत्री रहंदे घोटाले दे इल्जाम लगे ने। इस तो अलावा चन्नी सरकार विच मंत्री रहे संगत सिंह गिलजिया उपर भी FIR हुई है। थाना विजिलेंस ब्यूरो फेस 1 मोहाली विच दर्ज FIR विच जेड़े नाम ने उन्हां विच अमित चौहान IFS, गुरमनप्रीत सिंह वनमंडल अफसर, दिलप्रीत सिंह वनगार्ड, साधु सिंह धर्मसोत साबका मंत्री, संगत सिंह गिलजिया साबका मंत्री, इस तो अलावा धर्मसोत दे OST चमकौर सिंह, कमलजीत सिंह, गिलजिया दे PA कुलविंदर सिंह शेरगिल अते सचिन कुमार दा नाम शामिल है। संगत सिंह गिलजिया ए चंडी सरकार विच जंगलात मंत्री रहे ने। साधु सिंह धर्मसोत दी गिरफ्तारी दे नाल नाल संगत सिंह गिलजिया उपर भी FIR हुई है। हालांकि मोहाली अदालत गिलजिया दी अगाऊ जमानत दी अर्जी रद्द कर चुकी है। संगत सिंह गिलजिया गिरफ्त विचों बाहर ने। गिलजिया उते लगे इल्जामा विच कहा गया है कि ट्री गार्ड दी आम कीमत 2800 रुपए सी ते इल्जामा दे तहत प्रति ट्री गार्ड 800 रुपए रिश्वत गिलजिया नु जांदी सी। गिलजिया दे मंत्री रहंदे 80,000 ट्री गार्ड खरीदया गया। संगत सिंह गिलजिया नु 6,40,00,000 रुपए दी रिश्वत गई है। हरमोहिंदर ठेकेदार दे मुताबिक गिलजिया नु 5 लाख होर रिश्वत दित्ती गई। हरमोहिंदर ने दरख्त कटाई दे लई परमिट इशू लई रिश्वत दित्ती सी। हरमोहिंदर दे मुताबिक गिलजिया ने उसदी सारी DFO दे नाल मीटिंग भी करवाई। गिलजिया ने निर्देश दिते कि सारे ट्री गार्ड सचिन कुमार तो खरीदे जान। पंजाब दे विच पर्ल पीड़ित पूछ रहे ने कि दसो सरकार कदों मिलेगा इंसाफ, क्योंकि सरकार ने वादा कीता सी कि जल्द इंसाफ होएगा। पूरी खबर दस दें, ब्रेक दे उस पार। पंजाब दे पर्ल पीड़ितां दी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, इसे लई ABP सांझा ने मुहिम चलाई। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी भरोसा दिता कि इन्हां लोकां नूं इंसाफ मिलेगा। संगरूर जिमनी चोण दे दौरान प्रचार करदे वेले मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 तों 25 दिनां दे अंदर एक्शन हो जाएगा। 27 दिन लंघ गए ने ते हुण पर्ल पीड़ित पुछ रहे ने कि दसो सरकार कदों मिलेगा इंसाफ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਲ ਵਾਲੀ। ਅਗਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰੂਗੀ, ਨਿਲਾਮ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਐਮ ਨੇ 25 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਸੀ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਮੌਂਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਰਲ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਗਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਰਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰੂਗੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਰਾਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ 25 ਦਿਨ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਗ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਲੇਟ ਏ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀਮਤ ਆ ਪਰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਨੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ
गैर कानूनी ढंग दे नाल इंश्योरेंस पॉलिसियां चलाउण दे इल्जाम भी पर्ल ग्रुप ते ने। पर्ल पीड़ितां च पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते राजस्थान दे लोक शामिल ने। पर्ल ग्रुप के खिलाफ फरवरी 2014 च सीबीआई दे वल्लों पहली एफआईआर दर्ज की गई सी। 2016 च सुप्रीम कोर्ट ने जांच दे लई कमेटी का गठन किया सी। साबका सीजेआई आरएम लोधा की अगवाई च कमेटी बनाई गई सी। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों पर्ल दीआं जमीनां वेच के पीड़ितां नूं पैसा वापस देण दे हुक्म दित्ते गए सन। इस कमेटी ते पर्ल ग्रुप दी जायदाद वेच के लोकां नूं पैसे मोड़न दी जिम्मेवारी सी। मार्च 2021 तक 12,70,000 निवेशकां दे 438 करोड़ रुपए की अदायगी हुई सी। फिलहाल पर्ल ग्रुप दा एमडी निर्मल पंगू जेल च है। निर्मल पंगू 2016 च गिरफ्तार होया सी। इसे नाल मैनू दे इजाजत। परदेश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर देखण दे लई देखते रहो एबीपी सांझा।